हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पहल क्लासेस बाय हिरेन गोहिल सर में। चलिए, लास्ट टाइम हम लोग कंप्यूटर में क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने साइज के हिसाब से क्लासिफिकेशन देख लिया था, सुपर, मेन फ्रेम, माइक्रो, मिनी। और हम लोगों ने एक और क्लासिफिकेशन देखा था जो था टेक्नोलॉजी या स्विचिंग डिवाइस हार्डवेयर के आधार पर, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन। चलिए, उसी कड़ी में आज हम अपना अगला क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर देखते हैं अकॉर्डिंग टू सिग्नल। सिग्नल्स के आधार पे कंप्यूटर का वर्गीकरण हम देखते हैं कि सिग्नल दो तरह के होते हैं, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। तो जो कंप्यूटर कंटिन्यू सिग्नल पे काम करते हैं वो कंप्यूटर कौन से होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर। और वे कंप्यूटर जो जीरो और वन या डिजिट्स पर या डिस्क्रीट सिग्नल पे काम करते हैं वो कौन से होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर। और जो दोनों पे एक साथ काम कर सकते हैं वो कौन से होते हैं? हैबिट कंप्यूटर। चलिए मैं आपको इसे और अच्छे से समझाता हूँ। एनालॉग कंप्यूटर मतलब क्या? कंप्यूटर विच कैन वर्क ऑन कंटिन्यूस सिग्नल्स। वे कंप्यूटर जो कंटिन्यूस सिग्नल पे काम कर सकते हैं वो कौन से होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर। कंटिन्यूस सिग्नल मतलब आपने देखा ही होगा कि साइन, कॉस, वेव या वेव फॉर्म्स, ठीक है। तो ये क्या होती है? कंटिन्यूस इन नेचर, ठीक है। तो वे सिग्नल जो कंटिन्यूस होते और उस पर जो काम कर सकते हैं वो कौन से कंप्यूटर होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर। जैसे हम फिजिकल प्रोसेस के मेजरमेंट करते हैं, थर्मामीटर, बैरोमीटर, आपका स्पीडोमीटर होता है बाइक का, आपकी एनालॉग वॉच है जिसमें कांटे लगे हैं, आपके जो मीटर्स होते हैं जिसमें ऐसे रीडिंग आती है, और एक एनालॉग मीटर उसमें ऐसे पॉइंटिंग करता रहता है। तो ये कौन से मीटर है? एनालॉग मीटर। तो ये हम वेट करने की जो मशीन होती है आपकी, स्पीडोमीटर होता है बाइक का, हमारी घड़ियां होती है, इसमें कांटे लगे हुए हैं ना, इसमें पॉइंटिंग हमेशा होती रहती है, ए मीटर हो गए, वोल्ट मीटर हो गए। तो ये एनालॉग होते हैं ना, तो एनालॉग कंप्यूटर्स हैं जो मेजरमेंट के पर्पज से यूज होते हैं, ठीक है। तो फिजिकल प्रोसेस के मेजरमेंट के लिए हमें जो कंप्यूटर यूज करना पड़ते हैं वो कौन से कंप्यूटर होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर। ये अधिकतर इंजीनियरिंग और रिसर्च वर्क वगैरह में यूज होता है, हाई एक्यूरेसी से मेजरमेंट्स के लिए, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर, कंप्यूटर्स विच कैन वर्क ऑन डिस्क्रीट सिग्नल्स, और इसी को आप बोलते हैं डिजिटल सिग्नल्स। वो कौन से आते हैं आपके? डिजिटल कंप्यूटर। कंप्यूटर विच कैन वर्क ऑन डिस्क्रीट और डिजिटल सिग्नल, वो कौन से होते हैं? आपके डिजिटल कंप्यूटर। इसमें हम क्या करते हैं कि एनालॉग सिग्नल्स की सैंपलिंग ले लेते हैं, कुछ कुछ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद हम सैंपल्स लेते हैं, उन सैंपल्स के थ्रू हम क्वांटाइज करके डिजिटल फॉर्म में सिग्नल को कन्वर्ट करके सीपीयू के थ्रू हम प्रोसेस कराते हैं। आपके सुपर, मेन फ्रेम, माइक्रो, मिनी, होम पीसी, लैपटॉप, स्मार्टफोन, ये सब किसके उदाहरण है? डिजिटल कंप्यूटर के। आपके डिजिट्स वाली वॉच, कैलकुलेटर्स, ये सब भी किसके उदाहरण है? एक तरह के डिजिटल डिवाइस के उदाहरण है, ठीक है। तो वे कंप्यूटर जो जीरो और वन या डिजिट्स पे या डिस्क्रीट सिग्नल पे काम करते हैं वो कौन से होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर। जैसे आजकल आप देखते हैं कि आपके थर्मामीटर ऐसे आते हैं जिसमें डिजिट्स पूरा शो हो जाती कि कितना टेम्परेचर है, पर एक थर्मामीटर जिसमें पारा आपका अप डाउन करता रहता था वो कौन से? एनालॉग। पर जिसमें डिजिट्स के थ्रू आउटपुट आया था वो कौन से? डिजिटल मीटर। आपके पॉइंटिंग के लिए आपकी बाइक में पल्सर में जो मीटर आता है, एक ऐसा कांटे वाला आता था जिसमें पॉइंटर मूव होता था, वो कौन सा? एनालॉग मीटर। पर आजकल 82.5 kmph ऐसा डिजिट्स देखा था, पेट्रोल इंडिकेट करता है डिजिट्स के फॉर्म में, डिस्प्ले के फॉर्म में, वो कौन से? डिजिटल डिस्प्ले। तो डिजिटल कंप्यूटर की तरह काम कर रहे हो। आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं हैबिट कंप्यूटर। हैबिट कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो एनालॉग तथा डिजिटल सिग्नल्स दोनों पे एक साथ काम कर सकते हैं, वो कौन से कंप्यूटर होते हैं? हैबिट कंप्यूटर। कंप्यूटर्स विच कैन वर्क ऑन एनालॉग सिग्नल्स एंड डिजिटल सिग्नल्स साइमल्टेनियसली। कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स दोनों पे एक साथ काम कर सकते हैं वो कौन से कंप्यूटर होते हैं? आपके हाइब्रिड कंप्यूटर। इनका प्रयोग कहाँ होता है?
आपने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम देखे होंगे हॉस्पिटल में, अगर कोई एडमिट होता है सीरियल वगैरह में बताते तो ऐसे हार्ट बीट चलती रहती, तो आईसीयू वगैरह में कोई एडमिट होता है तो हार्ट बीट वगैरह मेजर करने तो हॉस्पिटल में कोई एडमिट होता है तो हम देखते हैं कि ऐसे हार्ट पल्सेस ऐसे अप डाउन होते हुए बताते हैं ईसीजी में, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन में। तो एक तरह का हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जाम्पल है ये, कहाँ यूज होते हैं। और इसके अलावा वेदर फोरकास्टिंग में और सैटेलाइट मॉनिटरिंग और सैटेलाइट कंट्रोल में हमें कई बार एनालॉग और डिजिटल सिग्नल दोनों पे एक साथ प्रोसेसिंग कराने की जरूरत पड़ती है। वहां कौन से कंप्यूटर्स होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर। इसका बेहतरीन उदाहरण आपके इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन है, ठीक है। तो आपके बेरोमीटर, टेम्परेचर मापने वाला थर्मामीटर एनालॉग वाला, ठीक है, फिजिकल प्रोसेस आप मेजर कर रहे हैं तो उन सबके लिए कौन सा कंप्यूटर यूज होंगे, एनालॉग कंप्यूटर। आपके स्मार्टफोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये सब किसके उदाहरण है, सुपर मेनफ्रेम, माइक्रो मिनी, डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण है। और वे कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों पे एक साथ काम कर सकते हैं जैसे ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन, ये किसके उदाहरण है, हाइब्रिड कंप्यूटर के। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो, ये एक छोटा सा क्लासिफिकेशन का वीडियो था एनालॉग डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर का। अगर आप पहली बार देख रहे थे तो जरूर पहल क्लासेस बाय हिरेन गोहिल सर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पे भी जरूर क्लिक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।